बार आज श्री मुक्तसर साहिब पहुंच चुके हैं। सो हेलो दोस्तों, की हाल चाल थोड़े सारे का, फिर तो स्वागत है एक बार मेरे एक नवे ब्लॉग च। डेट है आज 7 मार्च 2021, टाइम हो रहा है सवेर दे 7 बजे, तो अज असी जा रहे हैं गुरुद्वारा श्री मुक्तसर साहिब। हुण साडा सफ़र हो चुका है शुरू, तुसीं देख सकते हो असी जा रहे हैं संगरूर टू मुक्तसर साहिब, जो कि करीबन 145 किलोमीटर दूर है। तो हुण आपां थोड़ी देर विच पहुँच जावांगे। फाइनली आपां पहुँच चुके हैं मुक्तसर साहिब। तुसीं मेरे राइट हैंड साइड से देख सकते हो, ये पहला गुरुद्वारा है। असी जावांगे सीधा गुरुद्वारा श्री टुटी कंडी साहिब, जो कि उधरों थोड़ी जी दूर है। तो देख सकते हो हुण फाइनली आपां पहुँच चुके हैं गुरुद्वारा श्री टुटी कंडी साहिब, गेट नंबर 1 ते। बिल्कुल सामने जोड़ा घर है जिते तुसीं अपने जोड़े जमा करा सकते हो, तो इस तरह का कुछ व्यू है। तो हुण आपां जोड़े जमा करावांगे तो जावांगे गुरुद्वारे दर्शन करन। देख सकते हो सामने जोड़ा घर है, तुसीं जमा करा सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। तो भाई देख सकते हो तुसीं, फाइनली आपां गुरुद्वारा श्री मुक्तसर साहिब पहुँच चुके हैं। टाइम हो रहा है सवेर दे 10 बजे, घरों आपां चले सीगे 8 बजे, तो 10 बजे पहुँच चुके हैं। पूरे 2 घंटे च अप्रोक्सीमेट 135 किलोमीटर दूर सीगा। देख सकते हो पिछे गुरुद्वारा है। हुण तुसीं इंजॉय करो व्यू बैक कैमरे तो। तो अब हम जाएंगे गुरुद्वारे के अंदर, देख सकते हैं मैं एंट्रेंस कर रहा हूँ बिल्कुल सामने। तो सबसे पहले हम जानेंगे इस जगह का इतिहास यानी कि हिस्ट्री। तो हिस्ट्री मैं बताऊँगा हिंदी में, ताकि जो लोग पंजाब के बाहर से भी इस वीडियो को देख रहे होंगे तो इस जगह का इतिहास जान सके, हिस्ट्री जान सके कि इस जगह का महत्व क्या है और इस जगह पर क्या हुआ था। तो इस अभी मैं आपको बताऊँगा हिस्ट्री, तो शुरू करते हैं। तो इस जगह की हिस्ट्री कुछ इस प्रकार है कि जब गुरु गोबिंद सिंह जी आनंदपुर साहिब में थे तो मुगलों ने उनके किले को घेर लिया था। तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कम सिख थे, लेकिन मुगलों की फ़ौज कुछ ज़्यादा बड़ी थी, 10,000 टाइम्स ग्रेटर फौज थी मुगलों की, जो आनंदपुर साहिब में जिन्होंने किले को घेरा था। तो क्या हुआ कि वहाँ पर जब वो 1 महीने 2 महीने रहे तो कुछ जो सिंह थे उनकी हिम्मत टूट रही थी, क्योंकि किले के अंदर खाने पीने का सामान बिल्कुल ख़त्म हो गया था। तो उस बात से जो 40 सिख थे उनकी हिम्मत टूट रही थी। तो उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह जी को कहना था कि हमसे भूख और प्यास और बर्दाश्त नहीं हो रही है, इसलिए हम किले से बाहर जाना चाहते हैं इस जगह को छोड़ के। तो लेकिन वो गुरु गोबिंद सिंह जी से ये बात कह नहीं पा रहे थे। तो इस बात को कहने के लिए उन्होंने भाई महान सिंह को अपना मोरी बनाया, यानी कि अपना हेड बनाया, कि वो ये बात जाके गुरु गोबिंद सिंह जी को बताएं ताकि वो किले से बाहर जा सकें और यहाँ पर भूख और प्यास से ना मरे। तो इतनी हिम्मत करने के बाद भाई महान सिंह गए गुरु गोबिंद सिंह जी के पास कि ऐसे ऐसे करके जो हमारे 40 सिंह हैं वो ये बातें कह रहे हैं और वो जाना चाहते हैं। तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा कोई बात नहीं, आप लोग जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जाइए, लेकिन मुझे लिख के दे दीजिए कि आज से आप मेरे भक्त नहीं, आप मेरे सिंह नहीं और मैं आपका गुरु नहीं। तो उन 40 सिंहों ने क्या किया कि एक लिख के दे दिया लेटर, जिसमें उन्होंने ये मेंशन कर दिया कि वो आज से गुरु गोबिंद सिंह जी के सिंह नहीं और गुरु गोबिंद सिंह जी उनके गुरु नहीं, और वो फिर किला छोड़ के चले गए। लेकिन जब वो किला छोड़ के अपने अपने घरों पर गए तो उनकी पत्नियों ने और उनके जो पेरेंट्स थे उन्होंने उनको घर में घुसाने से मना कर दिया कि अगर तुम इतने गिद्दड़ हो तो घर में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, जहाँ मर्जी जाओ। तो उसके बाद पाई मागो एक थी जो जिन्होंने क्या किया कि कहा कि तुम लोग चूड़ियाँ पहन के घर में बैठो और हम जाके युद्ध करेंगे गुरु गोबिंद सिंह जी के साथ। तो उन्होंने एक औरतों का जत्था बनाया, यानी कि एक ग्रुप बनाया, जिसमें उन्होंने वो सभी लेडीज़ को लेके गुरु गोबिंद सिंह जी के पास जाने लगी। तो आनंदपुर साहिब से गुरु गोबिंद सिंह जी जब चमकौर साहब गए, जब वो आनंदपुर साहिब से बाहर जा रहे थे सब लोग तो किला खाली करके, तो क्या हुआ उनकी सारी फैमिली बिछड़ गई। तो गुरु गोबिंद सिंह जी चले गए चमकौर साहिब 2 बड़े साहिबजादों के साथ, जहाँ पर उनका फिर से मुगलों के साथ युद्ध हुआ और वहाँ पर भी उनको हार देखनी पड़ी, क्योंकि वो बहुत कम सिख थे चमकौर साहब में और मुगलों की फौज थी बहुत ज़्यादा बड़ी। तो वहीं पर 2 बड़े साहिबजादे शहीद हो गए थे। उसके बाद गुरु गोबिंद सिंह जी चमकौर से जा रहे थे बाहर अपने आप को डिफेंड करने के लिए, कहीं और जा रहे थे। तो जैसे ही वो जो पाई माघो थी वो अपना ग्रुप लेके गुरु गोबिंद सिंह जी को बचाने के लिए उनके पास जा रही थी लड़ने के लिए युद्ध में, तो उन 40 सिंहों को भी फिर शर्म आ गई कि हमारी घर की औरतें जा रही हैं और हम घर पे बैठेंगे। तो वो भी चले गए उनके साथ गुरु गोबिंद सिंह जी के पास वापस जाने के लिए। तो
तो जब वो मुक्तसर साहिब में पहुंचे तो उनका मुगलों के साथ युद्ध हुआ। गुरु गोविंद सिंह जी ने भी अपनी फौज भेजी थी, तो वहां जाके उनका युद्ध हुआ 40 सिंहों का। तो वहां पर वो लड़ते लड़ते सब शहीद हो गए। तो जैसे ही गुरु गोविंद सिंह जी मुक्तसर में पहुंचे तो उनकी उन सिंहों से बात हुई, जब सब ऑलरेडी शहीद हो चुके थे, लेकिन भाई माघो और भाई महान सिंह ही जीवित बचे थे, जो कि अपनी अंतिम क्षणों में थे, मरने वाले थे। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने भाई महान सिंह को कहा कि मैं आज तुमसे बहुत खुश हूँ, तो बोलो तुम क्या मांगते हो। तो भाई महान सिंह ने कहा कि जो हमने आपको लेटर लिख के दिया था उसको फाड़ दीजिए, कि हमको उससे मुक्त कर दीजिए। तो यहीं पर गुरु गोविंद सिंह जी ने उनकी इस कुर्बानी से खुश होकर वो लेटर को फाड़ दिया और उनको मुक्ति दे दी। तो इसी वजह से जगह का नाम पड़ा मुक्तसर साहिब, जिसमें मुक्त का मतलब है मुक्ति और सर का मतलब है यहाँ पर जो सरोवर था उसकिया। इसको पहले खिडरा की डाब कहा जाता था इस जगह को, लेकिन उस टाइम से फिर इसको मुक्तसर का नाम दे दिया गया, श्री मुक्तसर साहिब। तो ऐसा ही जगह का कुछ इतिहास है। तो अब हम जा रहे हैं गुरुद्वारे के अंदर दर्शन करने। देख सकते हैं बिल्कुल आपके सामने है मेन गुरुद्वारा, इस तरह का कुछ व्यू है अंदर। तो अब हम जाएंगे, दर्शन करेंगे, मत्था टेकेंगे। तो आपको यहीं से दिखा सकता हूँ। इसके बाद अभी मैं फ़ोन रखूँगा जेब में और जाके दर्शन करूँगा। तो देख सकते हैं अब आपके बिल्कुल सामने है वो पेड़ जहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी ने अपना घोड़ा बांधा था। देख सकते हैं सामने लिखा भी हुआ है श्री गुरु गोविंद सिंह जी। ये वो पेड़ है जहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी ने अपना घोड़ा बांधा था जब वो यहाँ पर आए थे। अब आपके बिल्कुल सामने है कड़ा प्रसाद की लाइन। जब आप माथा टेक लेंगे तो आप यहाँ से प्रसाद ले सकते हैं। अब हम जा रहे हैं 40 सिंह, जो 40 सिंह शहीद हुए थे उनका गुरुद्वारा है बिल्कुल सामने ही। और यहाँ पर एक भाई माघो जी का क्या बोलते हैं अजायब घर है, अजायब घर मतलब म्यूज़ियम है, जहाँ पर आप पुरानी जो कुछ भी हुआ था हिस्ट्री जो मैंने आपको बताई थी उस सब की तस्वीरें देख सकते हैं। तो बिल्कुल मेरे सामने अजायब घर है, ये लिखा हुआ है गुरुद्वारा टुट्टी गंढी साहिब मुक्तसर साहिब। तो अभी बिल्कुल मेरे सामने अजायब घर है, पहले हम जाएंगे म्यूज़ियम, देखेंगे सारा इतिहास जो यहाँ सब हुआ था। आप भी देखिए और समझिए उस चीज़ को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए और शेयर करिए। जो मैंने सारी हिस्ट्री आपको बताई वही हिस्ट्री सारी लिखी हुई है। सारे देख सकते हो उरे दा छोटा जा अजायब घर जो कि थोनू दिखाएगा इतिहास। देखो पीछे वाले कैमरे ते बहुत ध्यान नाल देख। तो आप देख सकते हैं आपके बिल्कुल सामने वो दृश्य जब गुरु गोविंद सिंह जी ने यहाँ पर 40 सिंहों को मुक्ति दी थी, जिस वजह से जगह का नाम पड़ा था मुक्तसर साहिब। ये देख सकते हैं सारे गुरुओं की जो कुर्बानियाँ थी यहाँ पर, उन सब की तस्वीरें बनी हुई हैं। ये इस जगह की हिस्ट्री की तस्वीर है जो अपने आप में सब कुछ बता रही है। और इसी तरह यहाँ पर पूरी हिस्ट्री की जो यहाँ पर हुआ था चीज़ें, जो अलग 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 जगह पे हुए हुई थी चीज़ें सिख इतिहास में, वो सब दिखाया गया। ये देख सकते हैं आप भाई माघो थी जो युद्ध में लड़ रही हैं, ये आपके बिल्कुल सामने तस्वीर में आप देख सकते हैं, ये युद्ध की तस्वीर है। ऐसे ही यहाँ पे अलग अलग जगह युद्ध के बाद जब घायल हो जाते थे तो पानी पिलाते थे, सब ऐसे इतिहास है, देखिए और समझिए। जा रहे हैं जिहड़ा उरे दूजे गुरद्वारा है बिल्कुल सामने, 40 सिंह का गुरद्वारा जो उरे शहीद हुए सीगे, गुरद्वारा शहीदगंज साहिब। बिल्कुल मेरे सामने गुरद्वारा है, देख सकते हो।
ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ। ਪੂਰੇ ਟਾਈਮ ਹੋ ਰਿਹਾ 10 ਵਜੇ, ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤਾਂ ਅਜੇ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਨੀਚੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਲੰਗਰ ਛਕੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਰੇ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਫਾਈਨਲੀ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਉਰੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਰੇ ਹੀ ਖਤਮ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਫਰੀਦਕੋਟ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਲੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੰਬਾ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਰੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ, ਅਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਵਲੋਗ ਵਿੱਚ ਫਰੀਦਕੋਟ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ।